शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदोरमा कार्यकर्ताओं सहित भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा कार्यालय दीपकमल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर इंदु वर्मा काफी भावुक दिखी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिर से भाजपा परिवार में शामिल होने से वे काफी खुश हैं और पार्टी को आगामी लोकसभा चुनावों में जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगी। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आज मुझे लग नहीं रहा कि मैं ठीक है। कहते हैं कि एक हवा का झोंका था, वो झोंका थोड़ा निकल गया और हम उस बहुत थोड़ा समय के लिए वो झोंका आया था निकल गया और मैं अपनी पार्टी में आज वापिस आई हूँ। और मैं जिस तरह से आज पार्टी में वापिस आकर जिस तरह से पार्टी ने आज स्वागत किया है, मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं आदरणीय बिंदल जी का जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है जिनकी अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम हुआ है, और उसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय नड्डा जी का, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर आदरणीय बिट्टू जी और बलबीर वर्मा जी बैठे हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे हैं और संदीप सिंह भारद्वाज जी बैठे हैं, और यहाँ पर तमाम जो मंच पर हमारे सभी हमारे जो साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबसे पहले तो मैं आदरणीय बिंदल जी आपका दिल की गहराइयों से प्रदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना मान सम्मान के साथ हमारा और जो हमारे इतने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं आपने उनका इतना स्वागत किया। आपके अध्यक्ष जी, मैं आप पे पूरा विश्वास भी लाना चाहती हूँ कि आदरणीय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जिनके नेतृत्व में आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरे सभी यहाँ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर हमारे ठियोग के कुमारसम के लोग हैं, हम पूरे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे बगैर किसी महत्वाकांक्षा के, बगैर किसी उससे हम लोग पार्टी के लिए पूरा काम करेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा में शामिल हुई इंदु वर्मा का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि इंदु वर्मा के पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनावों में पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनावों में जीत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमें इस बात का फख्र है, इस बात का गौरव है कि श्रीमती इंदु वर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार वो बढ़ रहा है और सिंबॉलिक तौर के ऊपर श्रीमती इंदु वर्मा जी को पटका पहना करके इनका विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया है, परंतु इनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है और वो सब लोग यथास्थान पार्टी में शामिल होंगे। श्री बिट्टू वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा जी इस बात की योजना करेंगे कि उनको किस प्रकार कहां शामिल करना है, उन सब का भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए, प्रलोभन दिए और बहनों को प्रलोभन दिए, बेरोजगार युवकों को प्रलोभन दिए, उनसे कहा कि हमारी गारंटी है कि पहली कैबिनेट के अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी, आदि आदि। मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की लाखों लाखों दीवारों के ऊपर आज भी वो चस्पा है, लोगों के मोबाइल्स में
आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं, परंतु सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या कहा वो काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं, हम अपने काम को करेंगे। उसी समय जनता ने वो गारंटियों वाला वीडियो वो चलाया कि पहली कैबिनेट में आप 1 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे थे, आपने नौकरियां देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। साथियों, हिमाचल की जनता बखूबी जान गई है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब ये सरकार वेंटिलेटर पर जा चुकी है, ऑक्सीजन सिलेंडर से भी काम नहीं चल रहा है, अब ये सरकार वेंटिलेटर पर है, ये हिमाचल की जनता जान चुकी।